उससे बाहर कैसे आना है। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए, दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आए ही ना? तो जवाब है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन ये है कि मैं आंख खोलूं, मुझे अच्छी चीजें तो दिखें, बुरी चीजें ना दिखें, पॉसिबल है? आंख खुली तो जो भी कुछ होगा सामने वो दिख जाएगा, बिकॉज आईज आर, सुनो अब ध्यान से सुनो, जैसे आंखें होती हैं उसके सामने जो भी कुछ होता है पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाता है, लेकिन उससे आंखों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आंखों से आपने एक गंदी टॉयलेट को देखा तो क्या उसकी वजह से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं? नहीं। अगर आपने किसी बहुत अच्छी जगह को देखा, मान लो किसी मंदिर को देखा या किसी हिल स्टेशन में एक बहुत अच्छे व्यू को देखा, तो क्या आपकी आंखें अच्छी हो जाती हैं? क्या उसको देखते चश्मा उतर जाता है? क्या गंदी टॉयलेट को देखते चश्मा चढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, आप चाहे कुछ अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, उसका असर आंखों पे नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी जो ब्रेन है उसके अंदर किसी चीज से आपका कांटेक्ट हुआ, उस कांटेक्ट होने की वजह से चाहे पॉजिटिव थॉट आया चाहे नेगेटिव थॉट आया, चाहे पॉजिटिव फीलिंग हुई चाहे नेगेटिव फीलिंग हुई, उसका आपकी ब्रेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रेन का काम है आपको सिर्फ उस सिग्नल को आप तक पहुंचाना। मुझे कोई चोट लगती है तो मेरी ब्रेन नहीं खराब हो जाती है, या मुझे कोई बहुत अच्छी फीलिंग होती है, कोई सेंसेशन होती है, किसी के प्यार में पागल थे, उससे आपकी शादी हो गई, उसके बाद में आप उसके साथ में हो तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है, बड़ी अच्छी, तो उससे आपकी ब्रेन अच्छी नहीं हो गई है। तो जब ये बात हमको समझ आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि अब चाहे नेगेटिव से नेगेटिव थॉट आए हमारी इस ब्रेन में, चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव थॉट आए, क्या फर्क पड़ता है, आने दो ना। जैसे ही आप अंदर से इस चीज को बोल देते हो, एक है ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए बोल रहे हो, अंदर से आप बोल देते हो, क्या फर्क पड़ता है, आने दो बुरे से बुरा थॉट, आने दो अच्छे से अच्छा थॉट, देखता हूं मेरा क्या उखाड़ता है, आने दो बुरी से बुरी फीलिंग, आने दो अच्छी से अच्छी फीलिंग, क्या फर्क पड़ता है, तो उसका फर्क पड़ना बंद हो जाता है। उसको हम रिप्लेस भी तो कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि हम वॉशरूम में, अगर ये अपने आप को धोखा देना है, क्यों रिप्लेस करना है? आप एक वॉशरूम में हो, वहां पर आप एक थॉट क्रिएट कर रहे हो, नहीं वॉशरूम बड़ा अच्छा है, यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये नहीं है मेरा। अगर हम ये देख रहे हैं कि बहुत गंदे टॉयलेट्स हैं, ये है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव दैट, हाउ टू चेंज इट। देखो अब दो चीजें हैं, एक जिसको आप चेंज कर सकते हो, अब हम एक अलग डायमेंशन में एंटर कर रहे हैं आपके इस क्वेश्चन की वजह से। अभी जहां पर मैं हूं वहीं पर स्टिक रहो, बट इसको भी मैं फटाफट से टच करके वहां पर आता हूं। आप क्या कह रहे हो कि हम चेंज कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स है जिनके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, यानी कि टॉयलेट गंदी है उसको आप साफ कर सकते हो अगर आप साफ करना चाहो तो, या फिर आप बाहर जा सकते हो, या फिर आप कहीं और जा सकते हो। तो देर आर लॉट ऑफ चॉइसेस एज फार एज चेंजिंग दैट सिचुएशन इज कंसर्न, बट देर आर थिंग्स इन लाइफ विच यू कैनॉट चेंज, लाइक योर पास्ट, यू कैनॉट चेंज योर पास्ट, उसको कैसे बदलोगे, वहां क्या करोगे? हाउ विल यू फॉरगेट इट? इट इज सो सो चाइल्डिश, समझो यही लोगों की प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट फॉरगेट इट। इट इज एज गुड एज सेइंग कि भाई हमारे अंदर कुछ पड़ा हुआ है, फॉरगेट अबाउट इट। मेरी आंखें खुली हुई हैं, मुझे कुछ दिख रहा है, फॉरगेट अबाउट इट। मुझे ये आदमी दिख रहा है जो मुझे पसंद नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। इट इज नॉट पॉसिबल, समझ गए? तो अब आप बैठ जाओ, अब मैं आपसे बात करता हूं, आपको क्लियर